Really? Hello everyone, can you hear me? Hello everyone, welcome to Facebook Live. My name is Hina. Once again, I am back. Welcome to Amul Facebook Live. और आज हम इस लाइव सेशन में बनाने वाले हैं ब्रोकली सूप, जो बहुत ही हेल्दी होती है. मैंने सोचा आज कुछ हेल्दी बनाते हैं, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ ब्रोकली सूप. ब्रोकली इज फुल ऑफ विटामिन सी, विटामिन के. तो अब मैंने आपके लिए जो प्रेप किया है, मैंने ये ब्रोकली ली है, एक छोटी ब्रोकली ली है, और मैंने यहाँ पे लिए स्प्रिंग अनियंस. अभी सीजन में है स्प्रिंग अनियन, तो हम स्प्रिंग अनियन का यूज कर रहे हैं. और मैं यूज कर रही हूँ उसमें फ्रेश ग्रीन गार्लिक. अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल गार्लिक भी ले सकते हैं. तो अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ चॉप करना. इसको हम रफली चॉप कर लेंगे अनियंस को. मैं जब तक स्टोव ऑन कर देती हूँ. यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं प्रेशर कुकर. प्रेशर कुकर में एक तो प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा, इसलिए मैं प्रेशर कुकर यूज कर रही हूँ. और इसको पैन में भी बनाया जा सकता है. तो ये मैंने ग्रीन गार्लिक लिए दो, और दो लिए मैंने स्प्रिंग अनियन. अब हम कुकर में डालेंगे हम ऑयल, बटर, ऑलिव ऑयल, कुछ भी यूज कर सकते हैं. मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेल्टेड बटर. इसमें डालेंगे हम ये जो चॉप करा हुआ रफली चॉप स्प्रिंग अनियन एंड गार्लिक. अच्छा सा चॉप कर अब हम इसमें साथ में ही ब्रोकली भी ऐड कर देंगे. बहुत ही फास्ट प्रोसेस का मैं आपको सूप बता रही हूँ. जस्ट गिव इट अ टॉस. और इसमें ऐड कर दूंगी मैं एक चम्मच के करीब आटा, होल व्हीट आटा. और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसी के साथ. एक मिनट तक भूनेंगे और इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें बॉइलिंग वाटर. मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी लिया है और हम कर देंगे कुकर को बंद. इससे क्या है, ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा. लेट्स स्टार्ट मेकिंग. कैन यू गिव अ क्विक रीकैप व्हाट आर वी डूइंग टुडे? We are making broccoli soup and for broccoli soup मैंने use किया है यहाँ पे एक छोटा सा फूल broccoli का और दो spring onion जिसके मैंने leaves नहीं लिए हैं और दो garlic, green garlic, उसके भी मैंने leaves नहीं लिए हैं, खाली आगे आगे का जो half portion होता है वो लिया है. And we have chop करा उसको हमने roughly और एक spoon melted butter में हमने उसको एक मिनट तक भूना. And we added 1 spoon of आटा and उसको भी हमने 1 मिनट तक भूना. उसके बाद हमने उसको पानी डाल के उसको विसल कर दिया. अब हम वेट करते हैं इसका जब तक इसमें मैंने बॉइलिंग वाटर ऐड करा तो प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया, तो विसल अभी जल्दी से लग जाएगी. उसके बाद हम बनाएंगे गार्लिक ब्रेड. गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए मैंने लिया है ये मेल्टेड बटर. इसमें ऐड करूंगी मैं ये चॉप्ड गार्लिक. इसमें मैंने 1 स्पून चॉप्ड गार्लिक ऐड करा फ्रेश.
चॉप्ड गार्लिक, इससे बहुत ही अच्छा गार्लिक की टेस्ट आएगा ब्रेड में। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी कुछ मिक्स्ड हर्ब्स। बहुत ही अच्छा ये एरोमेटिक बटर बन जाएगा। इसको हम यहाँ पे मैंने ब्रेड लिया है, इसको मैंने कुकी कटर से हार्ट शेप में कट कर लिया, जस्ट टू गिव अ वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। इसको हम ब्रश से बटर लगा सारे ब्रेड, मैं दो विसल करूंगी इसको मश ब्रोकली सूप को। आप मल्टीग्रेन ब्रेड, ब्रेड सूप स्टिक्स, आप कुछ भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं। इन गार्लिक ब्रेड्स को आप पैन में भी बना सकते हैं और अवन में भी बना सकते हैं। अब हम इसको हटा देंगे। बाय द टाइम मैं अवन में ब्रेड्स को रख, everyone for joining. Hello and welcome to Amul Facebook Live. Hi everyone who all have joined. Hi Razia. Hi Dadi. Hi Dad Priya, Priyanka. Sorry, अगर मैंने किसी का नाम ठीक से ना बोला हो तो। Hi Shalini. Hi Sheila. Hi Ketki. Thanks for joining. आई होप आपने मेरी पहले भी रेसिपीज देखी हो। बाय द टाइम मैं सूप के ऊपर डालने के लिए थोड़ा सा बटर रेडी कर देती हूँ। सूप के ऊपर ये जो मैंने मिक्स्ड गार्लिक बटर बनाया है, इसी को हम थोड़ा सा पैन में गरम करेंगे। थोड़ा सा बर्न गार्लिक बनाना है हमको। इस गार्लिक को हमको गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज्यादा बर्न भी नहीं करना और बहुत कच्चा भी नहीं रखना। और इसी में मैं डाल दूंगी कुछ पंपकिन सीड्स, जिससे ये भी बटर में टोस्ट हो जाएंगे। ये हम बना रहे हैं अपने सूप के ऊपर डालने के लिए, तो इसको मैंने पहले ही रेडी कर लिया है। अब इस बटर में ये जो पंपकिन सीड्स हैं, ये भी थोड़े से रोस्ट हो जाएंगे या फ्राई हो जाएंगे, तो ये बहुत ही टेस्टी ऊपर से ड्रेसिंग बन जाती है।
अपने कुकर को ऑन कर लेंगे। इसमें से हम एक ब्रोकली का फ्लावर गार्निशिंग के लिए निकाल, गार्निशिंग के लिए हम थोड़ा सा इसमें से ब्लांच्ड ब्रोकली निकाल लेंगे और जो बाकी का जितना बचेगा इसको हम मिक्सी में चर्न कर लेंगे। तो थोड़ा ठंडा होने तक हम वेट करेंगे। यहाँ पे हमारी गार्लिक ब्रेड भी रेडी हो गई है। आप चाहे तो इनके ऊपर चीज भी डाल सकते हैं, मोजरेला चीज अगर कुछ चीज ही चाहिए तो। अब हम इसको ठंडा करेंगे थोड़ा सा। मैं इसको जल्दी ठंडा करने के लिए मैं इस पैन में डाल देती हूँ, बिकॉज ये कुकर बहुत गर्म है तो इसको ठंडा करने के लिए मुझे इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। हम क्विकली ठंडा कर लेंगे। एक जो अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए हाँ, मैंने यहाँ पे ग्रीन गार्लिक यूज करा है। अगर ग्रीन गार्लिक नहीं है तो नॉर्मल गार्लिक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी सीजन में है तो आई हैव यूज दिस ग्रीन गार्लिक। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। जल्दी से हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और जो ये मैंने बटर बनाया है ना, इसके अंदर हम इस कॉलीफ्लावर को, ये जो सॉरी ब्रोकली है, ब्रोकली को भी थोड़ा टॉस कर लेंगे। ये क्या हमारे सूप के ऊपर हम गार्निशिंग और क्रंच के लिए इसको रेडी कर रहे हैं। मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल दूंगी। मैं यहाँ पे ज्यादा वेट नहीं कर सकती तो आप लोग थोड़ा ठंडा करके फिर ही इसको ब्लेंड करना। लाइव में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता। आई जस्ट ब्लेंड इट फास्ट। मैं यहाँ पर स्टाल को यूज करूंगी क्योंकि ये बहुत गर्म है। तो जस्ट टू कीप इट टू अ सेफर साइड। हमें से कुछ भी छानना नहीं है, अब हम पैन लेंगे और हम उसको पोर कर देंगे पैन में।
और उसको बॉईल होने दो। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा दूध। और एक इसको अच्छा सा बॉईल लेंगे। अगर आपको थिक सूप पसंद है तो इसमें आप थोड़ा सा आटा की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या ब्रोकली को आप और ज्यादा डाल सकते हैं, तो ये एक थिक बेस बनेगा। सूप की थिकनेस आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से कर सकते हैं, पतला या थिक, दैट डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट कि आपको कितना पतला या कितना थिक सूप चाहिए। इट्स अ वेरी हेल्दी ऑप्शन। सो वील गिव इट अ क्विक बॉइल। और आप देखेंगे विद इन मिनट्स हमने ये एक हेल्दी सूप रेडी कर लिया। एक बॉईल आते हैं हम उसे उतार लेंगे, उसको सीजन करेंगे सॉल्ट और पेपर से। जस्ट ऐड सॉल्ट टू टेस्ट। वेट, इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ जाए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको दो तीन मिनट और अच्छे से बॉईल कर लेना। यहाँ हमारा सूप रेडी है, अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। सूप को ब्लेंड करने के बाद हमें इसे दोबारा से, एक्चुअली थिक था तो मेरा ठीक से ब्लेंड नहीं हुआ है, इसको और अच्छे से 2 मिनट्स तक और ब्लेंड करना था। इसके ऊपर हम डालेंगे ये जो हमने ये इसमें एक बाइट देगा। और सीजन करेंगे हम थोड़ा सा पेपर से। और इसको सर्व करेंगे हम गार्लिक ब्रेड से। ये हमारा सूप रेडी है।
हाँ, इसमें हम क्रंच के लिए आमंड्स डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे पम्पकिन सीड्स का यूज करा है, आप आमंड्स भी यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये सूप पसंद आया और आप लोग भी ट्राई करिए इसे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू अमूल फॉर सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी वंस अगेन। फॉलो मी ऑन इंस्टा, माई इंस्टा पेज इज हिना वलीजा। फॉलो मी ऑन फेसबुक, माई पेज इज माई क्रिएटिविटी फूड और फूड बाय हिना वलीजा। एंड गुड नाइट एंड थैंक यू एवरी वन। बाय बाय।